बीच में नहीं रुकेगा अंतिम संस्कार। गाजियाबाद विद्युत शवदाह गृह के खराब हो जाने से अंतिम संस्कार बीच में रुक जाने की घटना को फिर दोहरा ना सके, इसके लिए नगर निगम ने इंतजाम कर लिया है। नगर निगम अब सीएनजी से संचालित शवदाह गृह बनाएगी। दिल्ली के एक फर्म ने नगर निगम अधिकारियों के सामने सीएनजी शवदाह गृह के प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देख दिखाया। नगर निगम बिना अपना फंड खर्च किए सीएसआर फंड से इस शवदाह गृह का निर्माण कराएगी। फिलहाल जीडीए की ओर से बनाकर दिए इस विद्युत शवदाह गृह को नगर निगम संचालित कर रही है। बीते साल कोरोना संक्रमण से एक बड़े उद्यमी की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार इसी शवदाह गृह में किया गया था, तो बीच में ही खराब हो गया था। एक दिन तक शव ऐसे ही पड़ा रहा, इसके नगर निगम की किरकिरी हुई। शवदाह गृह को रिपेयर कराने के लिए ना केवल मोटा फंड खर्च किया गया, जीडीए को इसे अपग्रेड कराने को पत्र भी भेजा गया था। जीडीए ने इसे अपग्रेड कराने से हाथ जोड़ लिए थे। अब नगर निगम की तरफ से सीएनजी से संचालित शवदाह गृह बनाने का निर्णय ले लिया गया। शवदाह गृह में 24 बर्नर लगे होंगे, जिसके जरिए शव का विधिवत अंतिम संस्कार प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शवदाह गृह भी होगा कन्वर्ट। जीडीए की ओर से बनाकर दिए गए विद्युत शवदाह गृह को सीएनजी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इसके लिए बिजली के उपकरण हटाकर सीएनजी से संचालित होने वाले बर्नर लगाए जाएंगे, जिसके लिए निजी कंपनी ने हामी भर दी है। शवदाह गृह निर्माण सीएसआर फंड से। नगर निगम ना तो सीएनजी शवदाह गृह के निर्माण पर अपना फंड खर्च करेगा और ना ही विद्युत शवदाह गृह को सीएनजी में कन्वर्ट कराने के लिए। निगम अधिकारियों के मुताबिक जिस संस्था ने शवदाह गृह बनाने का प्रस्ताव दिया है, वे खुद ही इसके लिए सीएसआर फंड जुटाएगी। बड़ी कंपनियां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इनका निर्माण कराएगी। इस पर आने वाले करीब 30 लाख के खर्च को भी कंपनी ही उठाएगी। नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कंपनी की ओर से सीएनजी शवदाह गृह बनाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया था। फर्म को सीएसआर फंड का इंतजाम करके इनका निर्माण करने के लिए कहा गया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के नतीजे देखने के लिए देखते रहिए द नेटिजन न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।